I think you are all are able to see my screen, right? Canvas is visible. This canvas is visible to all. Yes or no? Okay. So let us start the session. So, देखो यार, अभी तक हमने क्या काम किया था कि हमने पहले शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन ली, देन मीडियम ट्रांसमिशन लाइन ली, देन वी हैव टेकन द लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, और सबके लिए एबीसीडी पैरामीटर कैलकुलेट किया. लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए सर्ज इम्पिडेंस, लोडिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस, ये सब देखा. ठीक है, तो अब देखो यार, अब आगे बढ़ते हैं, उसी फ्लो में हम लोग आगे बढ़ेंगे. तो हुआ क्या कि अब एबीसीडी पैरामीटर तो हम लोगों ने निकाल लिया, राइट, एंड वी डू हैव अ रिलेशनशिप बिटवीन द सेंडिंग एंड वोल्टेज एंड सेंडिंग एंड करंट विद द रिसीविंग एंड वोल्टेज एंड रिसीविंग एंड करंट. ओके, तो करंट की रिलेशनशिप तो है हमारे पास, राइट. वी हैव कैलकुलेटेड द करंट एंड वोल्टेज रिलेशनशिप बिटवीन द सेंडिंग एंड एंड द रिसीविंग एंड. बट व्हाट अबाउट पावर? We do not have any relationship between the sending end power and receiving end power, real power and reactive power. Okay, तो क्योंकि current and voltage की relationships है हमारे पास, वो क्या है जैसे कि मैंने देखा था. ठीक है, तो Vs is nothing but what? V sending is equal to A times V receiving plus V times I receiving, right? And at the same time, I can write I sending is nothing but C times V receiving plus D times I receiving, right? So this is the relationship we have already derived. Or how we have derived? We have calculated the ABCD parameter for all the transmission lines, like short transmission line, medium transmission line and long transmission line. Agar ABCD parameter mere paas hai, toh main current ke relationship or voltage ke relationship, matlab sending end current or receiving end current or sending end voltage ka relationship, receiving end voltage or receiving end current ki term mein, सेंडिंग एंड करंट का रिलेशनशिप रिसीविंग एंड वोल्टेज रिसीविंग एंड करंट के टर्म में हम लोग जान सकते हैं. बट व्हाट अबाउट पावर? वी हैव नॉट डन एनीथिंग रिलेटेड टू पावर टिल नाउ. तो आज हम लोग जो करेंगे, आज का जो हम लोगों का प्रोसेस रहेगा वो देखो ये रहेगा बेटा. सपोज वी हैव दिस ट्रांसमिशन लाइन, ओके, एंड दिस ट्रांसमिशन लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय सम एबीसीडी पैरामीटर, मे बी एनी ट्रांसमिशन लाइन, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन, कुछ भी हो सकती है. ठीक है, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन को मैं किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? एबीसीडी पैरामीटर, एबीसीडी, राइट. एंड वन एंड इज सेंडिंग एंड एंड वन एंड इज रिसीविंग एंड. सपोज दिस इज माय रिसीविंग एंड, ओके, दिस इज माय सेंडिंग एंड. सपोज द वोल्टेज एट दिस एंड इज नथिंग बट वीएस एंगल डेल्टा, डेल्टा इज नथिंग बट पावर एंगल, ओके, एंड दिस इज नथिंग बट वीआर एंगल 0 डिग्री. Okay, now see, this is nothing but here we have I sending, and at the same time here we have I receiving. Okay, these things I quite very well know, but what I have to calculate is, मतलब इधर हमको P sending plus J Q sending, मतलब real sending on power and reactive sending end power. Okay, this is this will be denoted by SS. SS ko kya bolenge beta? What is this? Which power is this? Apparent power. Apparent power. Correct. This is apparent power. Same. Similarly, I can write on receiving end. I can write on receiving end. We will be having real receiving end power. And at the same time, we will be having reactive receiving end power. तो आज का जो हम लोगों का प्रोसेस रहेगा या आज का जो वर्क रहेगा, केवल और केवल इन सेंडिंग एंड पावर, रियल सेंडिंग एंड पावर, रिएक्टिव सेंडिंग एंड पावर, रियल रिसीविंग एंड पावर, रिएक्टिव रिसीविंग एंड पावर, वी विल ट्राई टू कैलकुलेट, राइट. एंड व्हाट एवर द इक्वेशन वी विल डिराइव, दीज इक्वेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू रिमेंबर दीज इक्वेशन टिल यू कैन से eternally you have to remember these equations. Hamesha ke liye,
Okay, so we will try to derive these equations. We will try to calculate the sending end power and sending end and receiving end, real and reactive power. तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, सबसे पहले sending end की बात करेंगे और sending end में real power और reactive power calculate करेंगे, उसके बाद receiving end real power reactive power calculate करेंगे और कुछ sign conventions देखेंगे जो कि बहुत important है, plus minus क्या दिखाते हैं और during the course we will see. तो first thing what we will be doing is we will try to calculate the sending end real power and receiving power, right? So we'll try to calculate that. So jahan tak sending end real power aur receiving power ki baat hai, to I can write, ye sabko pata hai ki I can write SSS as, that is sending end power, I can write this sending end power as V sending into I sending per conjugate. Yes or no? So this I can write. Okay. So in this way also I can write. So let us. This will be my first equation. So I will name this as equation number one. So the apparent power on the sending end side is nothing but V sending into I sending का conjugate. हम लोग जो भी power निकालते हैं बेटा, ये जो बी सेंडिंग आई सेंडिंग कॉन्जुगेट है, ये अपेरेंट पावर पावर सिस्टम में यही यूज होगा. व्हेन यू हैव टू कैलकुलेट बोथ द पावर्स, दैट इज द रियल एंड रिएक्ट पावर, यू विल बी यूजिंग लाइक दिस. एंड इन दिस द रियल कंपोनेंट विल बी रियल पावर एंड द इमेजिनरी कंपोनेंट विल बी रिएक्टिव पावर. हमेशा यही करेंगे हम लोग कभी भी पावर सिस्टम में, अगर हम लोग अपेरेंट पावर कैलकुलेट करेंगे, राइट? ओके, नाउ लेट अस मैनिपुलेट आईएस. लेट अस मैनिपुलेट आईएस. आईएस हम एज इट इज नहीं लेंगे. Okay, we will be having some manipulation. कैसे manipulate करेंगे? इसको equation number एक लिख लिया. अब देखो, इसको ये वाला जो है, इसमें से हम लोग जो let us write this as A and let us write this as B. ठीक है. So in from equation number A, we will try to have this IR. अगर IR from equation A, I can say IR is nothing but IR is equal to how much? IR is nothing but Vs by V minus A by B R. Okay, so this I can write. This is nothing but this is IR, which we have calculated from equation number A, which we have just manipulated from equation number A. Now what I will be doing, I'll simply put this IR from here to this equation number B. हम लोग क्या काम करेंगे कि इस IR को, क्योंकि ultimately I have to reach to IS. So what I will be doing, I will be putting this IR from here, say this is equation number C, from C to I will be putting to B. B में हम लोग रखेंगे, और B में जब हम लोग रखेंगे तो हम लोग IS जो हमको मिलेगा, what I will be getting as IS is nothing but we have got as D by B, D by B into VS minus VR. VR हम लोगों ने बाहर ले लिया बेटा, तो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं दैट विल बी AD माइनस BC अपॉन में B. तो दिस आई कैन राइट AD माइनस BC अपॉन B. दिस IS आई कैन राइट लाइक दिस. ओके, तो IS को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ. अब AD माइनस BC क्या आएगा, कोई मुझे बता सकता है? कोई भी ट्रांसमिशन लाइन है, AD माइनस BC क्या आएगा, कोई भी सोच के बता सकता है? और मैं आपसे ये कह रहा हूँ, वन आएगा. वन क्यों आएगा बेटा, वन क्यों आएगा? Why this visible? Symmetrical network. Okay. Yes, symmetrical. Because आप बेटा ABCD कोई भी ट्रांसमिशन लाइन का पकड़ के देखो, चाहे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन से स्टार्ट करते हैं. शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, 1Z01, दैट इज A बराबर D. और A बराबर D किसी कंडीशन होती है, सिमेट्रिकल की कंडीशन होती है. आप लोगों ने अगर अब जरा मीडियम ट्रांसमिशन लाइन पकड़ते हैं, तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में दो होते हैं, एक होता है आपका टी नेटवर्क, एक होता है पाई नेटवर्क.
ठीक है, तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन अगर हम लोग पकड़ते हैं, चाहे टी पकड़े चाहे पाई पकड़े, तो मेरा क्या आएगा, मैं सारा नहीं लिखूंगा, मेरा क्या आएगा, यहाँ से आएगा वन प्लस वाई जेड बाई टू, और यहाँ पे भी क्या आता है वन प्लस वाई जेड बाई टू, ठीक है, वन प्लस वाई जेड बाई टू। सो दीज आर, अगर टी है, टी है तो क्या हो जाएगा बेटा, टी यहाँ पे जेड यहाँ पे वाई, टी है तो क्या होगा, टी है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका वन प्लस वाई जेड बाई फोर से, आप लोगों को याद होगा। और अगर पाई है तो कहाँ मल्टीप्लाई होगा, पाई है तो यहाँ आपका यहाँ मल्टीप्लाई वाई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमको उससे कोई मतलब नहीं है, ए बराबर डी हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, तो ए बराबर डी हुआ है तो इसका मतलब ये भी सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है आपका, ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू। और आगे भी देख ले, आगे देख ले तो क्या हो जाएगा भाई, आगे देख ले तो सपोज इफ यू सी दिस, जो आपका वहां पे देख लो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है यहाँ पे, कॉस हाइपरबोलिक गामा एल, और यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे भी आता है कॉस हाइपरबोलिक गामा, ओके। सो बाय दैट वी कैन से दैट वी कैन यू कैन सिंपली से दैट कि भाई ए डी माइनस बी सी क्या हो जाएगा मेरा, एक हो जाएगा, वाई ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू वन, because it is kind of symmetrical line, okay, so AD minus BC 1 ho gaya mera, to agar AD minus BC mera 1 ho gaya, to I can write as D by B VS minus VR upon V, so this I have got as ye mera IS aa gaya. So this is the IS I have got. Okay. Now अगर IS मेरा आ गया है, तो देखो बेटा इस D की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एक manipulation और कर लेते हैं, इस D की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, yes, इस D की जगह मैं लिख सकता हूँ A. देखो यार आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा manipulation क्यों कर रहा हूँ, मैं C D क्यों नहीं ले रहा, ठीक है यार, ऐसी बात है कि हम लोग जो मैनिपुलेशन कर रहे हैं, वी आर डूइंग द मैनिपुलेशन बाय द क्वेश्चन इटसेल्फ, जो जनरली क्वेश्चंस में दिया होता है, राइट, ओके, सो बाय दैट वी आर डूइंग आवर मैनिपुलेशन। अब देखो, अब हमारा आई सेंडिंग किस फॉर्म में आ गया, ए बी की फॉर्म में आ गया, है ना, तो आई सेंडिंग किसकी फॉर्म में आ गया, ए बी की फॉर्म में मेरा आ गया है, एंड जनरली दीज आर गिवन वैल्यूज, जनरली दीज आर गिवन वैल्यूज, ओके, अगर दैट्स व्हाई वी आर मैनिपुलेटिंग इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब मेरा आईएस आ गया, आईएस आ गया, तो मैं अब इस वाली इक्वेशन में आई विल पुट दिस एज इक्वेशन नंबर डी, सबका इक्वेशन नंबर लिखना बहुत जरूरी है बेटा, ताकि यू कैन राइट इन वर्ड्स, यू विल पुट द वैल्यू ऑफ आईएस फ्रॉम इक्वेशन नंबर डी टू इक्वेशन नंबर, ठीक है, तो आप क्या काम, हाँ बोलो, तो आप जो है एक सेकंड, तो आप लोग जो है बेटा अभी तुरंत ले लेंगे उनको, तो ये जो है आप क्या काम करोगे, यू विल पुट द वैल्यू ऑफ आई एस फ्रॉम इक्वेशन नंबर डी टू इक्वेशन नंबर वन, ओके, सो अब देखते हैं सो कैसे करोगे। ओके, तो ये हो गया। अब देखो हम लोग इस आईएस की वैल्यू जो है ये इक्वेशन नंबर वन में पुट करेंगे, विल ट्राई टू गेट द फर्दर सॉल्यूशन, ओके, आगे भी सॉल्यूशन जाने की कोशिश करेंगे, देखो क्या करते हैं, सो लेट अस रिमूव दिस, क्लियर आई कैन रिमूव, इक्वेशन नंबर डी तक जो है वो सब लोगों को लिख लेना है, मतलब नोट्स प्रोवाइड कर देंगे इसका भी तुरंत, so this is here I can put the value of is, so is की value मैं put करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, I will get this, I will get, देखो अब is की value put करने से पहले जो भी, देखो एक चीज याद रखना बेटा कि जो a और d की value होगी वो angles में दी हुई होगी, right, तो हम लोग क्या काम करेंगे, we will assume the values, suppose we have assumed d is equals to
mod a is equal to mod a angle alpha. Why? Because these values are given in this form only. वो आपका मैग्नीट्यूड और एंगल की फॉर्म में दिए रहते हैं, मॉड बी एंगल बीटा. दिस आई हैव अज्यूम्ड डी लेने की जरूरत नहीं क्योंकि डी अभी उसमें है नहीं, सॉरी सी लेने की जरूरत नहीं क्योंकि सी उसमें है नहीं. ओके तो सी नहीं है तो सी हम नहीं लेंगे. तो फिर देखो बेटा, अब आई एस की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ तो जरा ध्यान से देखना, वी एस को मैं क्या लिखूंगा. वी एस को आई विल राइट वी एस मैग्नीट्यूड ऑफ वी एस एंगल डेल. ओके एंड नाउ इंस्टेड ऑफ आई एस आई विल राइट व्हाट, आई विल राइट एज आई विल डायरेक्टली राइट. अब डायरेक्टली राइट करने से पहले हम लोग लिखते हैं, आई विल राइट मॉड ए अपॉन में मॉड बी इंटू वी एस. एंगल क्या आएगा यार, एंगल कोई बताएगा एंगल क्या आएगा? देखो वी एस का एंगल डेल, वी एस का एंगल डेल, ए का एंगल क्या अल्फा, और बी का एंगल क्योंकि नीचे है तो क्या हो जाएगा माइनस. ओके देखो ए का एंगल अल्फा प्लस वी एस का एंगल डेल्टा प्लस, और क्योंकि बी जो है वो आपका डेनोमिनेटर में है तो वो क्या हो जाएगा आपका माइनस. ओके इसी हिसाब से अब दूसरे वाले टर्म के साथ अगर मैं एंगल देखना चाहूँ तो माइनस वी आर बीटा, ओ सॉरी बी एंगल कितना आएगा, एंगल विल बी वी आर का एंगल कितना है जीरो, बीटा का एंगल कितना है सॉरी बी का एंगल कितना है माइनस माइनस बीटा, यह आ जाएगा. और इस पूरे का कंजुगेट, कंजुगेट में क्या होता है बेटा, जब आप कॉन्जुगेट निकालते हो तो कॉन्जुगेट में हम लोग क्या काम करते हैं कि कॉन्जुगेट में एंगल जो होता है वो क्या हो जाता है आपका माइनस हो जाता है. कॉन्जुगेट में कुछ नहीं होता, जो भी आपका एंगल होगा वो क्या हो जाएगा माइनस होता है. क्यों? क्योंकि भाई जब कॉन्जुगेट आप निकालते हैं तो क्या काम करते हो, जब आपका ए प्लस जे बीटा है तो आप लोग किस में चेंज कर देते हो, ए माइनस जे बीटा, यही होता है ना कॉन्जुगेट. ठीक है तो इसका मतलब आप लोगों ने क्या काम किया, आप लोगों ने केवल एंगल को माइनस कर दिया. हाउ एंगल को माइनस कर, भाई एंगल इज व्हाट, एंगल इज टेन इनवर्स बीटा बाय अल्फा. ओके आप अब क्या काम किया कि माइनस बीटा हो गया, अगर माइनस बीटा हो गया तो ये माइनस काम आउट के चला जाएगा, बाहर चला जाएगा. ओके सो आप लोगों ने क्या काम किया, केवल एंगल को माइनस कर दिया. जब कॉन्जुगेट लेते हो तो आप क्या काम करते हो कि आप एंगल को माइनस कर देते हो. तो जब एंगल को आप माइनस कर रहे हो इट मीन्स देखो क्या करोगे, यहाँ आपका सेम ही रहेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ वी एस. अब एंगल क्या हो जाएगा आपका, यू विल गेट एंगल एज बीटा माइनस अल्फा माइनस डेल्टा, यस और नो. जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस था वो क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा जब कॉन्जुगेट ले लोगे. ओके तो और माइनस में क्या आ जाएगा, माइनस में यू विल गेट एस बी आर बाई बी, एंगल क्या हो जाएगा इसके साथ, एंगल विल बी हाउ मच विल बी बीटा. अब देखो ये आपको याद नहीं रखना, ये इस इक्वेशन को डिराइव करने का तरीका है बेटा, याद रखना है आपको, ये याद नहीं रहेगा, भूल जाओगे. बट यू हैव टू रिमेम्बर द प्रोसेस फॉर दिस इक्वेशन. ओके एक सेकंड, चार्जिंग पे लगा तो ये हो जाएगा, यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर उधर से ऑन भी कर. तो यू जस्ट हैव टू रिमेम्बर द वे आई हैव डेराइव्ड. एक से दो मिनट लगेगा, आप उसको याद नहीं कर पाओगे, आपको केवल तरीका याद रखना है कि कैसे हमने डेरिवेशन किया हुआ है. तो यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है. ओके नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी विल डू, नेक्स्ट स्टेप में क्या काम करेंगे कि ये जो वी एस एंगल डेल्टा है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके दिस वी एस एंगल डेल्टा वी विल मल्टीप्लाई इनसाइड, तो लेट अस राइट दैट थिंग. अगर हम वो लिखने जाते हैं, वी एस एंगल डेल्टा को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो व्हाट आई विल बी गेटिंग, आई विल बी गेट एन एंटायर इक्वेशन. लेट अस सी दैट इक्वेशन, तो लेट अस राइट दैट इक्वेशन. तो फाइनली जो मेरा एस एस आएगा जब मैं उसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो एस एस विल बी हाउ मच,
SS, it will be mod of A upon mod of B VS ka whole square angle. It will be how much? ये आपका वी एस का मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी वी एस का होल स्क्वायर एंगल कितना हो गया आपका बीटा माइनस डेल्टा अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा डेल्टा डेल्टा कट जाएगा ना प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा इट विल बी गॉन ओके सो बीटा माइनस अल्फा माइनस मॉड ऑफ वी एस इंटू मॉड ऑफ वी आर अपॉन में बी on B angle delta plus beta okay delta plus beta so ye ho jayega aapka okay now you have got as ss ab ye dekho logically to humko ye yaad hona chahiye tips pe hona chahiye tab hum log p bhi nikal sakte hain aur q bhi nikal sakte hain but generally kisi ko yaad rehta nahi aur yaad karna bhi murkhta hai why we should remember why we should have headache theek hai do humko maximum se maximum 1 1.5 minute lagega agar hum log practice mein rahenge we can derive this to hamare paas apparent power sending end side pe aa gaya okay this is important and now we will try to have some modification in this equation only theek hai to apparent power mere paas aa gaya hai beta isme kuch bhi koi yaad nahi rakhta aap ye maan lo ki agar aap yaad rakhne ka prayas karoge to aap kuch na kuch aap bhool jaoge galti ho jayegi isliye isko hum logo ko derivation do teen bar practice kar lena taki turant hum log derive kar le okay to ye aapka vs vr hai now ab dekho beta real power ki agar baat kare p sending end ki baat kare koi to kya hoga iska cosine jo hoga wo sara real power ho jayega aur iska sine jo hai wo sara kya ho jayega aapka reactive power उसमें कुछ सोचना ही नहीं है तो हम लोग डायरेक्टली क्या लिखेंगे विल राइट मॉड ए अपॉन मॉड बी एंड मॉड ए मॉड बी वी एस का होल स्क्वायर कॉस ऑफ बीटा माइनस अल्फा माइनस वी एस वी आर on may be sine of oh sorry cos of sine cos of aapka delta plus beta that is why real power and if I talk about the reactive power qs will be how much it will be qs will be a by b and mod of vs the whole square sine of beta minus alpha minus vs vr upon b sine of delta plus So this I have got as reactive power. अब देखो ये तो हम लोगों ने देख लिया कि भाई कैसे निकालते हैं अब काफी बार क्या होता है कि वो हमसे पूछता है कि भाई मैक्सिमम पावर बताओ वो हमसे क्या पूछेगा मैक्सिमम रियल पावर बताओ मैक्सिमम रिएक्टिव पावर बताओ ओके तो वो हमसे जानना चाहेगा तो हाउ वी विल ड्राइव दैट विल सी कि भाई अब मैक्सिमम रियल पावर और मैक्सिमम रिएक्टिव पावर कैसे निकालेंगे वो देखते हैं तो बेटा ये देखो ये हमको लगता है कि सबको अब समझ में आ गया होगा बहुत इजी है कुछ नहीं है केवल स्टेप्स हैं दो तीन स्टेप्स जो आप लोग फॉलो करोगे मैं नोट्स आपको दे दूंगा और आप लोग इसको तीन चार बार प्रैक्टिस कर लोगे और फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसमें बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं आता केवल रिएक्टिव पावर का मैं कंसेप्ट आपको बता दूंगा कि कब पॉजिटिव कब नेगेटिव लेना है तो आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा एंड यू विल हैव द सॉल्यूशन ओके बस आपको ये इसके स्टेप्स याद रखने जो मैंने सिंपल स्टेप्स बताए हैं किताब में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बताया हुआ है ओके नाउ देखो बेटा आगे बढ़ते हैं अब क्या है क्यूएस क्यूएस हमारे पास सेंडिंग एंड रियल पावर आ गया सेंडिंग एंड रिएक्टिव पावर आ गया अब हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रियल पावर और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिएक्टिव पावर देखेंगे ओके विल ट्राई टू कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रियल पावर एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिएक्टिव पावर ओके तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रियल पावर और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिएक्टिव पावर देखने के लिए कंडीशन निकाला होता है भाई मैक्सिमम का कंडीशन तो हम लोगों को मैक्सिमम मिनिमा सिखाया गया है मैथमेटिक्स में कैसे सिखाया गया हम क्या कैलकुलेट करेंगे हम लोग कैलकुलेट करेंगे आपका
तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डीपीएस, और इस साइड में कौन सा वेरिएबल है, इस साइड में क्या वेरिएबल है बताओ जरा, क्या वेरिएबल है इधर, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, कोई बता पाएगा बोलो? बीटा इज कांस्टेंट, कौन सा एंगल, किसके रिस्पेक्ट में, डेल्टा के रिस्पेक्ट में, डेल्टा ही एक वेरिएबल है ना, डी डेल्टा, बाकी सब क्या है, ये तो ए बी के साथ जो भी है बीटा अल्फा सब कांस्टेंट है ना यार, वो सिस्टम वो तो वो एक वो कांस्टेंट है, सिस्टम रिप्रेजेंट है, दे आर कांस्टेंट, सो वी दे आर नॉट वेरिएबल, सो वी विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू दिस। अब डेल्टा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, अगर डेल्टा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो ये क्या हो जाएगा, इसमें तो डेल्टा का टर्म है नहीं, दिस विल बी जीरो माइनस, इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे माइनस माइनस प्लस, साइन कोसाइन है ना, तो व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट एज वी एस वी आर अपॉन बी साइन ऑफ डेल्टा प्लस बी, ओके, एंड दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू जीरो, इसको डिफरेंशिएट करके जीरो के बराबर रखेंगे तभी हमारे पास कंडीशन आएगी ना। अब देखो बेटा इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखो सब लोग, यार थोड़ा सा कंसेप्ट है, पीएस जीरो हो नहीं सकता, वीआर जीरो नहीं हो सकता, बीटा की वैल्यू जीरो होगी नहीं, ठीक है, तो इसमें ये कब जीरो होगा, ये कब जीरो होगा बताओ जरा, जब आपका आपका डेल्टा प्लस बीटा, डेल्टा प्लस बीटा जो है क्या हो जाए, डेल्टा प्लस बीटा क्या हो जाए, या तो ये जीरो हो जाए या तो क्या हो जाए पाई हो जाए, यस और नो, ठीक है, इन्हीं दोनों कंडीशन में ये जीरो होगा। अब देखो जीरो नहीं होगा, जीरो क्यों नहीं होगा यार, जीरो क्यों नहीं होगा, क्यों जीरो नहीं होगा, जीरो इसलिए नहीं होगा क्योंकि डेल्टा की वैल्यू कभी जीरो हो ही नहीं सकती, डेल्टा कैन नेवर बी जीरो, डेल्टा की वैल्यू जीरो से 45 डिग्री के बीच होती है, लोगों को के लिए बता देते हैं, जीरो से लेकर 45 के बीच जो है ये डेल्टा की वैल्यू होती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कहीं आप अगर पूछा जाए डेल्टा की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेंगे, सो यू विल से इट विल बी फ्रॉम 0 to 45, ओके, और एक ऑप्शन आपका 30 डिग्री to 45 डिग्री होगी, सो दैट विल बी करेक्ट, ठीक है, तो जीरो की डेल्टा जो है वो जीरो आपका, डेल्टा विल नॉट बी जीरो, ओके, डेल्टा विल नॉट बी जीरो, इफ द डेल्टा इज नॉट जीरो, ओके, अगर मैं आपको इसको बताना चाहता हूँ, एक सेकंड में आपको इसका कंसेप्ट बता देता हूँ कि डेल्टा जीरो क्यों नहीं हुआ, आई हैव रिटन समवेयर, वी जस्ट वेट फॉर वन सेकंड, आई विल टेल यू व्हाट इज डेल्टा एंड व्हाई डेल्टा विल नॉट बी जीरो, दिस इज इंपॉर्टेंट, आई मस्ट सी, एक सेकंड बस तुम बताता बेटा, हाँ है हमने लिखा हुआ, हाँ हियर लेट अस सी व्हाट इज डेल्टा, डेल्टा की अगर आप बात करोगे, सपोज यू आर हैविंग दिस रोटर, ओके, सपोज यू आर हैविंग दिस रोटर, यू आर हैविंग, ये सिंक्रोनस मशीन का कंसेप्ट है बेटा आपका, सपोज ये आपका रोटर है, दिस इज माय रोटर, ये मेरा रोटर है बेटा, और रोटर में क्या है, सपोज मैंने क्या काम किया कि ये मेरा रेफरेंस लिया हुआ, दिस इज माय रेफरेंस, आई मस्ट टेक हियर, दिस इज माय रेफरेंस, रेफरेंस है, ठीक है, this is my reference, okay, now this is, if this is the reference, this is ye hum log iska, ye this is omega, with respect to omega it is rotated, omega matlab mechanical, okay, aapka jo rotor se rotate kar raha hai that is omega, okay, now if we see synchronous speed, I must tell that the synchronous the omega field jise rotate kar raha hai omega is like this, okay, ab ye kya hai ki jo reference aur omega ke beech ka angle hota that is theta electric, theta electric, okay, and now see what is the thing, del is the angle between the rotating rotor and the rotating field, this is del, ओके,
this is del. So this del will never be zero. Okay, ये del जो है वो आपका कभी zero नहीं हो सकता, because there is some lag between the rotor and the rotating field. ठीक है, वो दोनों आपस में क्या होंगे, दोनों एक साथ जो है आपका they cannot be in you can say they cannot collide, they cannot be in phase. Okay, so you can understand this. तो इसलिए del जो है वो आपको बेटा कभी क्या होगा, del जो है वो zero नहीं हो सकता. ये आप लोग जो है एक बार जाके इसको देखिएगा भी जरूर, this del cannot be zero. Okay, so simply I can say कि जब del मेरा zero नहीं हो सकता, okay, if the del cannot be zero, तो क्या इसमें क्या होगा मेरे पास, क्या दूसरा condition क्या बनती है, कि del plus beta is equals to pi. ठीक है, तो del plus beta किसके बराबर हो जाएगा हमारा, del plus beta हमारा किसके बराबर हो जाएगा, pi के बराबर. ये logic सब लोग समझ गए ना, zero क्यों हम लोगों ने neglect कर दिया. Zero हम लोगों ने इसलिए neglect कर दिया क्योंकि del कभी zero नहीं हो सकता. ओके, ये किस कंडीशन में जीरो होगा, जब बीटा जीरो और डेल जीरो. बीटा तो एक बार को जीरो हो सकता है, बीटा किस केस में जीरो होगा जरा कोई बताए तो, बीटा किस केस में जीरो होगा, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में जीरो हो सकता है ना यार एक बार को. ओके, सपोज इफ यू आर हैविंग ओनली रेजिस्टिव, देन बीटा में भी जीरो है ना. शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में क्या होता है, 1Z01 है ना. Okay, suppose if you are having only resistive system, for example, so that beta will be how much? It will be zero. You can say beta may be zero, but del cannot be zero. That's why this will be zero. This will not be zero. तो हम लोग इसको क्या ले लेंगे? Pi ले लेंगे. ये clear हुआ ना सबको यार, इसमें कोई doubt तो नहीं है. क्योंकि ये आपको याद रखना है, जब आप derivation करोगे, you have to remember this that del plus beta you have to take as pi only. ओके, तो डेल जो कंडीशन मेरे पास आई है मैक्सिमम पावर की, वो क्या आई, डेल प्लस बीटा इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज इक्वल टू पाई, डेल प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई. तो ये हम किसमें पुट कर देंगे, ये हम जो है अगर पीएस में पुट कर देंगे तो मेरे पास मैक्सिमम पावर आ जाएगा. ओके, इफ आई विल पुट दिस इन पीएस, व्हाट आई विल गेट इज मैक्सिमम पावर. इसको मैं पीएस में अगर पुट कर देता हूं तो मुझे क्या आएगा, क्या आएगा मेरे पास मैक्सिमम पावर आ जाएगा. आई विल पुट डेल्टा प्लस बीटा इक्वल्स टू पाई, आई विल गेट मैक्सिमम पावर. तो मैक्सिमम पावर क्या आएगा, तो मैक्सिमम पावर अगर मैं लिखना चाहूं तो आई विल गेट मैक्सिमम पावर एज ए बाय बी पीएस का होल स्क्वायर. That will be cos. इसमें तो कोई चीज नहीं आएगा. Cos beta minus alpha minus cos इसकी जगह del plus beta की जगह pi रखना है. Cos pi is minus one. So this will be plus. Vs into Vr upon me. So this is what? This is PS max. P sending end, real sending, maximum real sending end power. So we have got this. देखो यार तरीका क्या है, हम लोगों ने जो real sending end power निकाला था उसमें beta plus delta को क्या रख दिया, pi रख दिया. और beta plus delta को pi रखने से हमको क्या मिल गया, we have got the maximum sending end power. Okay, we have got the maximum sending end power, then that maximum sending end power is this only. Okay, so we have calculated that value. अब क्या काम करेंगे, जब real sending end power मिल गई तो हम लोग अगर reactive sending end power निकालने जा रहे हैं तो reactive sending end power में क्या काम करेंगे, reactive sending end power maximum we'll again put in that as well. उसमें भी हम लोग क्या काम करेंगे कि उसमें भी जो आपका this delta plus beta को क्या रखेंगे, pi रख देंगे, and we'll get the maximum receiving end power, maximum sending end reactive power, maximum sending end reactive power. तो जो maximum sending end reactive power आएगा, हमारे पास QS क्या आया हुआ था, QS was nothing but ये आपका क्या था कि mod A upon mod B
वीएस का होल स्क्वायर साइन बीटा माइनस अल्फा माइनस वीएस इंटू वी आर ऑन में बी साइन डेल्टा प्लस So what I will be putting, delta plus beta is equal to pi. तो जब pi put करेंगे तो ये second वाला term zero हो जाएगा. And second वाला term अगर zero हो जाएगा तो मेरे पास qs maximum जो आ जाएगा वो क्या आएगा? qs maximum we will be getting as mod a upon mod b to vs का whole square. साइन बीटा माइनस तो दिस इज द थिंग वी विल बी गेटिंग ओके. तो अगेन इसको याद नहीं रखना है, इसको केवल तरीका याद रखना कि कैसे हम लोगों ने किया हुआ है. तो अभी हम लोगों ने क्या कैलकुलेट कर लिया, अभी हम लोगों ने सेंडिंग एंड पावर कैलकुलेट किया, रिसीविंग एंड पावर कैलकुलेट किया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेंडिंग एंड पावर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिसीविंग एंड पावर वी हैव कैलकुलेटेड. नाउ अब देखो एक बड़ा स्पेसिफिक टाइप की चीज आती है, वो आती है फॉर अ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन. देखो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए तो डेफिनेटली वी विल बी हैविंग सम मैग्नीट्यूड ऑफ बीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा, एंगल ऑफ बीटा, एंगल ऑफ अल्फा. बट शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के केस में थोड़ा सा अलग हो जाता है. ओके सो वी विल हैव अ स्मॉल डेरिवेशन फॉर द शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन. अब हम लोग क्या काम करेंगे कि हम लोग शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए एक छोटा सा मैनिपुलेशन कर लेंगे और उसको याद रखेंगे. ओके और उसके साथ उसी के मैनिपुलेशन के साथ हम लोग एक चीज भी देखेंगे. ओके सो लेट अस रिमूव दिस एंड लेट अस कैलकुलेट फॉर द शॉर्ट ट्रांसमिशन. अब हम लोग क्या काम करेंगे बेटा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए कोशिश करेंगे देखने की. अब शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की जहां तक बात है, मैं इसको अभी रिमूव नहीं करूंगा, इसी में कुछ चेंजेस करूंगा और वो हम चेंजेस को हम लोगों को याद रखना है. जब भी मुझे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन बताने को आएगा या शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए बनाने को आएगा तो आई हैव टू रिमेम्बर दैट चेंजेस एंड अकॉर्डिंग टू दैट चेंजेस ओनली आई विल प्रोसीड. ओके तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन पे अगर कोई मुझसे बात करेगा तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन देखो कितना कैसा होगा. शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की अगर बात करेंगे तो इन केस ऑफ अ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, सपोज मैंने लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन लिया हुआ है. ओके so if I were having short lossless transmission line, so this I will be having only jx. okay this is what, this is vs angle del and this is nothing but vr angle 0. okay now what will be the changes for me. देखो यार बड़ी सिंपल सी बात है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए एबीसीडी पैरामीटर सबको पता ही है. तो एबीसीडी पैरामीटर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए क्या हो जाएगा, ए बी सी. सो व्हाट आई विल बी गेटिंग एज एबीसीडी पैरामीटर इज 1z01. ओके 1z01. तो अब यहाँ पे जेड क्या हो जाएगा था? अगर यहाँ पे जेड अगर मैं देखूं तो हो जाएगा मेरे पास 1 jx 0. Okay, this I will be getting as ABCD parameter of short transmission line. अब देखो यही हम put कर देंगे. हम लोग क्या काम करेंगे? केवल यही जो है आपका put कर देंगे. और ये अगर put कर देंगे देखो, तो इस हिसाब से alpha short transmission line के लिए alpha क्या हो जाएगा? अगर मैं यही लिखना चाहूँ, alpha will be how much? 1 angle 0. Yes, very good. 1 angle 0. तो alpha, मैं केवल angle की बात कर रहा था. तो आपने ठीक, चलो a ही लिख देते हैं. a अगर मैं लिखना चाहूँ, ये लिखना बेहतर रहेगा. सही कह रहे हो. ए विल बी व्हाट, ए विल बी नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए. तो ए विल बी नथिंग बट व्हाट, ए विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंगल ऑफ अल्फा. सो दैट विल बी नथिंग बट 1 angle 0. ओके एट द सेम टाइम बी विल बी व्हाट, बी अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, b is nothing but magnitude of x angle 90. very good bolo yes plus 90 degree absolutely
9 एंड सी का तो कोई एग्जिस्टेंस है नहीं और सी ऊपर भी नहीं है. ओके सी ऊपर भी नहीं है और सी का कोई एग्जिस्टेंस भी नहीं है, और सी डी के बारे में भी मुझे बात करना नहीं है क्योंकि सी डी मेरे जो आपका अपेरेंट पावर की इक्वेशन है उसमें सी डी नहीं है. तो आई डोंट आई नीड नॉट टू टॉक फॉर सी एंड डी, राइट. तो उसके लिए मुझे बात करने की कोई जरूरत भी नहीं है. तो यहाँ से जो मैं अपेरेंट पावर निकालने जाता हूँ तो वो मेरा क्या आया, तो मेरा देखो कितना ईजी हो गया. अब ऊपर वन हो गया, वन अपॉन मॉड एक्स, ओके वन अपॉन मॉड एक्स एंड वी एस का स्क्वायर, वी सेंडिंग का स्क्वायर, एंगल एंगल वी विल गेट एज हाउ मच, वी विल गेट एज बीटा माइनस एल्फा एंड बीटा इज 90 डिग्री. सो ओवरऑल 90 डिग्री माइनस 0 डिग्री वी विल गेट एज 90 डिग्री. ओके विल गेट एज 90 डिग्री माइनस वी एस वी आर अपॉन बी एंड हियर वी आर हैविंग एंगल 90 डिग्री प्लस डेल्टा, वी विल बी हैविंग एंगल एज 90 डिग्री प्लस डेल्टा. दिस इज 90 डिग्री प्लस. ओके तो ये मेरा क्या आ गया, दिस इज माई, दिस वी हैव गॉट एज अपेरेंट पावर. अब इसको रियल पावर और रिएक्टिव पावर में हम लोग लिख लेंगे. तो अपेरेंट पावर मेरा क्या क्या आया, अपेरेंट पावर मेरा बहुत इजी आया. अपेरेंट पावर वी हैव गॉट एज वी एस अपॉन एक्स मॉड ऑफ एक्स एंगल 90 डिग्री माइनस वी आर अपॉन बी एंगल 90 डिग्री प्लस डेल्टा. ओके नाउ व्हाट आई विल बी राइटिंग एज, अब मैं क्या लिखूंगा, अब मैं इसको हटा देता हूँ, अब मैं इसको हटा देता हूँ और मैं यहाँ से क्या लिखने की कोशिश करूंगा, मैं यहाँ से रियल और रिएक्टिव पावर लिखने की कोशिश करूंगा. ओके आई विल ट्राई टू राइट द रियल एंड रिएक्टिव पावर फॉर द शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, इट विल बी वेरी इजी. तो अगर मैं रियल पावर लिखता हूँ तो पी एस विल बी नथिंग बट PS is equal to, that is real sending and power is nothing but, देखो ये आपका cos 90 हो जाएगा, तो cos 90 तो 0 हो जाएगा. Okay, this will be cos 90. So let us write it. हम लोग पहले लिख लेते हैं उसके बाद 0 करेंगे तो समझने में आसानी होगी. So that is nothing but PS का whole square upon mod x cos 90 degree माइनस वी आर इंटू वी एस अपॉन में मॉड एक्स कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस एन. ओके दिस अगेन फर्दर आई विल गेट एस 0 cos 90 degree plus del is sin del or minus sin del. Okay, so I will get as plus Vs into Vr upon mod x and that will be. ये क्या आ गया, सेंडिंग एंड, दिस इज द सेंडिंग एंड रियल पावर आई हैव गॉट. वो सेंडिंग एंड रियल पावर मेरा क्या है, Vs into Vr upon mod x sin del. अब देखो ये बड़ा देखा पहचाना यार, ये तो हम लोगों का देखा हुआ है, ठीक है, ये सब लोग हम लोग जानते हैं ये क्या है. तो अगर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए आया तो हम लोग बार बार इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे. ये तो सबको पता है ना यार कि जो आपका पावर होती है दैट इज वॉट, अगर सपोज वी आर हैविंग दिस टाइप ऑफ सिस्टम, suppose we are having this system, this is suppose machine we have and this is PF, this is JX, okay, and suppose this is terminal voltage VT. तो ये तो सबको पता है ना कि जो टर्मिनल पावर आती है वो क्या आती है, इज नथिंग बट EF
into vt upon x into cylinder. याद है ना इस कोई को? ओके तो ये तो याद आ रहा है. अच्छा अब याद आ रहा है ना बेटा ये? तो कोई बात नहीं, अभी पहली बार आप लोग इसमें कोई ऐसी बात नहीं है. यू आर स्टडिंग फर्स्ट टाइम, तो ऐसी को अभी आप लोग याद रखना है. लेकिन आप इसको हमेशा याद रखना है, ठीक है? तो आप लोग अब ये आपको हमेशा याद रखना है. तो देखो अब ये कुछ ऐसा ही आया है, ये कुछ ऐसा ही आया ना बेटा, ये वाला जो आया है आपका. यस, तो इसको अब आप अपने दिमाग में क्या याद रखना है कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन रियल पावर सेंडिंग एंड मेरा क्या आएगा, रियल पावर सेंडिंग एंड मेरा यही आएगा. अब यहां से एक कंसेप्ट मैं आपको और बता देता हूँ, ठीक है? ये मैंने लॉसलेस लाइन दिया हुआ है, लॉसलेस. जनरली शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन ऐसे लिया जाएगा, लॉसलेस. अब क्या मुझे रिसीविंग एंड अगर मैं पीआर लिखना चाहूं तो क्या मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता हूं? अब मैंने कैलकुलेट नहीं कराया, लेकिन अगर मैं पीआर डायरेक्ट लिखना चाहूं, ठीक है, यस सर, लिख सकते हैं. क्या है डायरेक्ट बताओ क्या आएगा? तो पीएस इक्वल टू पीआर होता है. यस, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट. आप लोग डेरिवेशन में करूंगा तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं अभी आपको प्रूव कराऊंगा इसको. अभी जब मैं पीआर निकालूंगा तो इसको प्रूव करूंगा. और बड़ा सिंपल सी चीज है यार, क्यों कैलकुलेट करें, हम लोग पागल थोड़ी ना, ठीक है? जो रियल पावर, अगर जो क्योंकि लॉसलेस लाइन है, लॉसलेस लाइन में जितना रियल पावर, देखो रिएक्टिव पावर की बात नहीं कर रहे, क्योंकि रिएक्टिव पावर में बहुत सारे खेल हो जाते हैं. लेकिन रियल पावर की अगर जहां तक बात करोगे बेटा, तो रियल पावर जो है, अगर तो लॉसलेस लाइन है, जितना आपका सेंडिंग एंड है उतना ही रिसीविंग एंड पे होगा. देयर इज नो इशू, देयर इज नो क्वेश्चन, ठीक है? तो अभी मैं जब आपको रिसीविंग एंड कैलकुलेट करवाऊंगा पावर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए, तो उसमें आपको प्रूफ भी कराऊंगा ये बात. और आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, जब भी इसमें एक दो बार गेट में फंसाया हुआ है ऐसे, ठीक है? तो ये आप लोग याद रखिएगा इसको. तो ये तो रियल पावर की बात आ गई. अब रिएक्टिव पावर की जरा लगे हाथों बात कर लेते हैं. तो रिएक्टिव पावर की अगर हम बात करने जा रहे हैं, तो लेट अस राइट द रिएक्टिव पावर. अब इसको तो मिटा दे, ये तो अब हमेशा याद रहेगा, ठीक है? तो इसमें तो कुछ ऐसी बात थी नहीं. लेट अस रिमूव दिस एंड लेट अस कैलकुलेट द रिएक्टिव पावर. लेट अस कैलकुलेट द रिएक्टिव पावर. ओके, सो इफ यू ट्राई टू कैलकुलेट द रिएक्टिव पावर, तो QS will be getting as VS का whole square, VS का whole square. इसके साथ मैं एक बहुत अच्छा कंसेप्ट भी आपको बताऊंगा जब मैं रियल पावर रिएक्टिव पावर दोनों लिखूंगा. दैट इज साइन 90. माइनस PR VS on the mod x sin 90 plus del. Okay, so that if I will solve, I will get as mod of VS whole square upon x minus VR into VS on X, that is nothing but cos del. ठीक है बेटा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है ना, आपको सबको पता होगा आफ्टर स्कूल टू सिनेमा. ओके, तो वो याद रखना. तो वी विल गेट एज दिस ओनली. ओके, तो अगर ये हमारे पास आ गया, इसको जरा एक मॉडिफाइड फॉर्म में लिखते हैं. मॉडिफाइड फॉर्म में लिखेंगे और इसका एक कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? तो और उसके बारे में मैं आपको कुछ लिखवाऊंगा अभी, या आप नोट्स भी दूंगा, आप लोग ध्यान रखिएगा. मैं इसको हटा देता हूँ. ओके, मैं इसको हटा देता हूँ और इसको जरा मैं मॉडिफाइड फॉर्म में लिख देता हूँ, और फिर उसके बाद मैं और पीएस को भी लिखूंगा. तो क्यूएस I will write as, जरा ध्यान से देखना सही है कि नहीं. QS I will write as mod VS upon max VS minus VR positive. Okay, this is Q. sending it and now
for the short transmission end. And P sending end we can write as Vs into Vr or Max तो यार देखो यहां से एक कंसेप्ट जरा ध्यान से देखते हैं. ये मेरा इक्वेशन नंबर ए है, ये मेरा इक्वेशन नंबर बी है, दिस इज माय इक्वेशन नंबर बी. देखो यार ठीक है, तो मेरा लॉजिक क्या है, मेरा लॉजिक सिर्फ इतना है कि जो आपका रियल पावर है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा. द ट्रांसफर ऑफ अ रियल पावर इज डिपेंडेंट ऑन डेल, एंड द ट्रांसफर ऑफ द रिएक्टिव पावर is dependent on the voltage difference. Suppose cos del ki value jo hai wo cos del ki value beta maine for all matlab for analysis purpose suppose cos del is 1 just for analysis purpose. theek hai, approximation hum log kya lenge, cos del ki value main 1 le leta hu. theek hai, to cos del ki value agar main 1 le leta hu to dekho jo aapka qs hai, jo transfer of sending and reactive power hai wo kiske upar depend kar raha hai, wo voltage difference ke upar depend kar raha hai, vs minus vr, yes or no. ठीक है, अगर ट्रांसफर ऑफ रियल पावर है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो डेल के ऊपर डिपेंड कर रहा है. कैसे मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, कैसे वो जरा ध्यान से समझ लो. सपोज आई मैं इसको जरा हटा देते हैं और इस सिस्टम को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करता हूँ, कंसेप्ट समझने के लिए कर रहा है. ये तो आपका हो गया, ये जो पूरा डेरिवेशन था वो हो चुका है. ओके, तो क्योंकि पूरा डेरिवेशन जो आपका शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए सेंडिंग एंड रियल पावर और आपका रिसीव सेंडिंग एंड रिएक्टिव पावर आ चुका है, तो लेट अस रिमूव दिस क्योंकि ये मेरा डेरिवेशन हो चुका है. अब मैं थोड़ा सा कंसेप्ट जानने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड फॉर दैट कंसेप्ट लेट अस रिमूव ऑल दिस थिंग्स. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट सपोज आई एम हैविंग अ सिस्टम, मेरे पास क्या सिस्टम है, मेरे पास ऐसा कोई सिस्टम है, ओके, एंड दिस इज नथिंग बट एन इंडक्टर वी आर हैविंग एंड दैट इज GX. और सपोज इसका एंगल क्या है मेरा V1 और एंगल डेल, एंड सपोज इसका एंगल कितना है मेरा V2 एंगल डेल, राइट. सो दैट इज माय पॉइंट. अब देखो, अब अगर मैं यहाँ पे PS लिखना चाहूँ तो क्योंकि PS मैंने कैलकुलेट किया हुआ है सेंडिंग एंड, मतलब PS अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ V1 एंगल V2 ऑन मैक्स साइन ऑफ डेल 1 प्लस डेल 2 डेल 1 माइनस डेल 2 डेल 1. अरे यहाँ एंगल डेल था, यहाँ एंगल जीरो था, तो डेल माइनस जीरो कितना आ रहा था, डेल आ रहा था ना, यहाँ पे साइन डेल आ रहा था ना. यस, लॉजिक समझ गए, तो दैट विल बी डेल वन माइनस डेल टू. ओके, और जो आपका क्यू एस होगा वो क्या आएगा बेटा, क्यू एस विल बी इज इक्वल टू वी बाई मॉड ऑफ V, क्या था यहाँ पे V sending, that is V1 by X, that will be Vs minus, या Vs अभी क्या हो गया V1 हो गया, that is V1 और for practical purpose minus V2 cos of del 1 ये चीज सबको समझ में आई यार. अब देखो मैंने फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस में क्या ले लेता हूँ, इसकी वैल्यू को 1 ले लेता हूँ. ये लिखा मैंने पूरा और इसकी वैल्यू को मैंने एक वो लिया, अजम्पशन लिया या फिर अप्रोक्सीमेशन लिया, मैंने इसको 1 ले लिया. अब देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब सपोज इस इक्वेशन को पकड़ते हैं, अगर डेल 1 इज ग्रेटर देन डेल 2, पहली कंडीशन डेल 1 इज ग्रेटर देन डेल 2, तो जो मेरा पी सेंडिंग क्या आएगा, पी सेंडिंग विल बी पॉजिटिव. और पॉजिटिव का मतलब क्या है कि पॉजिटिव का मतलब रियल पावर की जो डायरेक्शन, जो
एक्चुअल डायरेक्शन रियल पावर की क्या होनी चाहिए। देखो अगर कोई चीज पॉजिटिव है तो इसका मतलब जो उसकी निर्धारित डायरेक्शन थी वो उसी डायरेक्शन में चल रही है, यस और नो? ठीक है, तो अगर यहाँ आपका सेंडिंग है, यहाँ जनरेटर लगा हुआ है, तो उसकी निर्धारित डायरेक्शन कहाँ होगी? यहाँ से यहाँ होगी, है ना? अगर यहाँ आपका जनरेटर लगा हुआ है, ठीक है, ये सेंडिंग एंड साइड है आपकी, ये रिसीविंग एंड साइड है, तो आपका सेंडिंग एंड लॉजिकली सेंडिंग एंड से सेंड होना चाहिए, हाँ है ना? हाँ, तो अगर पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव आने का मतलब जो उसकी निर्धारित डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में चल रहा है, उस डायरेक्शन में चल रहा है, इसका मतलब जो आपका रियल पावर कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, रियल पावर आपका सेंडिंग सेंडिंग एंड साइड एंड रिसीविंग एंड, यस और नो? ठीक है, अब देखो दूसरा चीज देखते हैं, दूसरा देखते हैं कि अगर मान लो कि डेल वन इज लेसर देन डेल टू हो जाता है तब क्या होगा, जरा बताओ। पीएस इज नेगेटिव चाहिए, नहीं सर पॉजिटिव। अगर डेल वन इज लेसर देन डेल टू, अगर डेल टू बड़ा हो गया तो क्या होगा भाई, नेगेटिव हो जाएगा ना। साइन ये सर नेगेटिव माइनस थीटा इज व्हाट, माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो आपका क्या हो गया कि डेल वन इज लेसर देन डेल टू, तो अगर आपका डेल टू बड़ा होगा तो नेगेटिव हो गया। नेगेटिव का मतलब देखो इससे समझो, जो जो मैंने जो अभी लाइन बता रहे हैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एक पावर इंजीनियर के लिए। नेगेटिव साइन का मतलब क्या, आप बताओ, नेगेटिव साइन का मतलब क्या? अपोजिट डायरेक्शन जाएगा। जो निर्धारित डायरेक्शन है उससे उल्टी डायरेक्शन में, ठीक है? जैसे हम लोग करंट अगर नेगेटिव आता था तो इसका मतलब जो डायरेक्शन हमने मानी हुई थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, यही करते थे ना हम लोग। तो यहाँ अगर नेगेटिव आया है तो हम लोग निर्धारित डायरेक्शन क्या है, सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड, यहाँ से यहाँ जाना चाहिए, ठीक है? लेकिन नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब कहाँ से कहाँ जा रहा है, अब आपका जा रहा है रिसीविंग एंड से सेंडिंग एंड जा रहा है, अब यहाँ से यहाँ डायरेक्शन जा रहा है, ठीक है? तो ये है कंसेप्ट। तो इसका मतलब क्या, मैं ये कह सकता हूँ कि रियल पावर फ्लो जो है वो आपका पावर एंगल के डिफरेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, पावर एंगल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्या मैं ये कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकता हूँ यार, ठीक है? अगर मैं ये कहता हूँ कि जो एक्टिव पावर है इज मोर सेंसिटिव टुवर्ड डेल, तो क्या ये सही है? इज यस सेंसिटिव सर, टुवर्ड डेल, बिल्कुल सही है यार। जो ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया, इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है, जो रियल पावर है उसका फ्लो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो बोलोगे कि सर उसका फ्लो जो है वो डिपेंड करेगा मेरा पावर एंगल के ऊपर, तो क्या वो आपको कंफ्यूज करेगा, बोलेगा उसका फ्लो क्या वोल्टेज डिफरेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा? तो आप क्या बोलोगे, नहीं सर उसका फ्लो वोल्टेज डिफरेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, इसमें कहीं वोल्टेज डिफरेंस की टर्म आ रही है क्या? तो नहीं अभी रियल पावर आप हमेशा याद रखना, क्योंकि आप लोग पहली बार इस चीज को पढ़ रहे हो, तो रियल पावर जो है, रियल पावर का फ्लो केवल किस पे डिपेंड करेगा, केवल और केवल डेल पे डिपेंड करेगा, केवल और केवल जो है आपका इस पे एंगल के ऊपर, डेल के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है? तो आप हमेशा इस चीज को याद रखना कि रियल पावर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, रियल पावर जो है वो आपका डेल के ऊपर डेल डिपेंड। अगर रिएक्टिव पावर की जरा बात कर लेते हैं, ठीक है, रियल पावर तो हम लोग लिख लिए, अब रिएक्टिव पावर की बात कर ले, तो रिएक्टिव पावर की अगर जरा बात कर ले तो रिएक्टिव पावर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? रिएक्टिव पावर तो भाई साफ साफ दिख रहा है V1 और V2 के ऊपर, डिफरेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर V1 इज ग्रेटर देन V2 है, V1 ग्रेटर देन V2 है, या V सेंडिंग इज ग्रेटर देन V रिसीविंग, V सेंडिंग इज ग्रेटर देन V रिसीविंग, तो रियल पावर कहां से कहां फ्लो करेगा, सेंडिंग रियल टू सॉरी रिसीविंग रिएक्टिव पावर कहां से कहां फ्लो करेगा, सेंडिंग से, रिसीविंग और इसी डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए। इसी पर जो QS आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव का मतलब हमेशा याद रखो कि पॉजिटिव मतलब का मतलब जिस डायरेक्शन में निर्धारित है उस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है? अगर सपोज किसी कारणवश, अब किसी कारणवश आपका V2 ग्रेटर देन V1 हो गया, या V रिसीविंग ग्रेटर देन V सेंडिंग हो गया, कारण भी आप लोग बताओ किस कारणवश हुआ होगा, ठीक है? पहले तो कारण बाद में बताना। अगर V रिसीविंग ग्रेटर देन V सेंडिंग हो गया तो आपका QS क्या हो गया, QS क्या हुआ? नेगेटिव और QS नेगेटिव नेगेटिव का होगा मतलब, QS नेगेटिव का मतलब रिएक्टिव पावर आप कहाँ से कहाँ फ्लो होने लगेगा, जो रिएक्टिव पावर रिसीविंग आप टू फ्लो होने सेंडिंग। लगेगा रिसीविंग टू सेंडिंग, जो आपका अब रिएक्टिव पावर फ्लो होने लगेगा
वो कहाँ से कहाँ फ्लो होने लगेगा, वो आपको फ्लो होने लगेगा रिसीविंग टू सेंडिंग। ओके, अब ये किस कारण से हो सकता है, ये किस कंडीशन में होगा, जब आपका रिसीविंग एंड, यस फेरांटी इफेक्ट। फेरांटी इफेक्ट किस किस कंडीशन में होता है, फेरांटी इफेक्ट लाइटली लोडेड और नो लोडेड कंडीशन, ठीक है। तो उस केस में तो ये आपका हो जाएगा। तो आप लोग हमेशा याद रखना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी बताया है, ठीक है। दो बात दिमाग में याद रखना, पहला क्या है कि रियल पावर फ्लो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, भाई रियल पावर फ्लो डेल के ऊपर डिपेंड करेगा, एंटायरली डेल के ऊपर डिपेंड करेगा। रिएक्टिव पावर फ्लो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रिएक्टिव पावर फ्लो जो है वोल्टेज डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर तो देखो, अगर तो जो है जो भी रियल पावर है, रियल पावर अगर पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, रियल पावर पॉजिटिव आने का मतलब कि रियल पावर पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, रियल पावर पीएस पॉजिटिव आने का मतलब, पीएस पॉजिटिव आने का मतलब देखो, पीएस मतलब सेंडिंग एंड पावर, सेंडिंग एंड पावर, और सेंडिंग एंड पावर की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होनी चाहिए, सेंडिंग एंड पावर की डायरेक्शन जो है आपका सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड तक होनी चाहिए, और क्यूएस, क्यूएस मतलब सेंडिंग एंड, सेंडिंग एंड आपका रिएक्टिव पावर, सेंडिंग एंड रिएक्टिव पावर, ठीक है। सेंडिंग एंड रिएक्टिव पावर, सेंडिंग एंड रिएक्टिव पावर जो है अगर आपका पॉजिटिव है तो इसका मतलब, अगर आपका पॉजिटिव है तो इसका मतलब जो इसकी निर्धारित डायरेक्शन है जो कि सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड होनी चाहिए, तो उसी डायरेक्शन में, मतलब आपका कहाँ से कहाँ है, सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड। तो देखो यार, अब जरा मैं इसी ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो एक चीज अगर आप मुझे बता दो, ठीक है, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप ये चीज समझ गए। मैंने अभी आपको पीआर नहीं बताया, रिसीविंग एंड पावर,